नमस्कार दोस्तों, सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 2 अगस्त का करेंट अफेयर। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का था दोस्तों, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 31 जुलाई, ऑप्शन नंबर 2 1 अगस्त, ऑप्शन नंबर 3 2 अगस्त, ऑप्शन नंबर 3 28 जुलाई। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 1 अगस्त। 1 अगस्त को दोस्तों मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का था दोस्तों, हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड। उत्तराखंड के दोस्तों IAS अधिकारी ओम प्रकाश को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का था दोस्तों, हाल ही में रिलायंस पावर और JRE ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए ADB के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर 1 नेपाल, ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 3 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा जो आपका ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 27 जुलाई, ऑप्शन नंबर 2 28 जुलाई, ऑप्शन नंबर 3 29 जुलाई, ऑप्शन नंबर 3 30 जुलाई। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 30 जुलाई। 30 जुलाई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का था दोस्तों, वर्तमान में मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है। ऑप्शन नंबर 1 लालजी टंडन, ऑप्शन नंबर 2 आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन नंबर 3 DD मिश्रा, ऑप्शन नंबर 3 जगदीश धनकर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल दोस्तों मध्य प्रदेश का राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, कौन सा राज्य 1 मास्क 1 जिंदगी जन जागरूकता अभियान शुरू करेगा। ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 केरल, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने दोस्तों 1 मास्क 1 जिंदगी जन जागरूकता अभियान शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का था दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे गुजरात पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सिद्धार्थ शुक्ला, ऑप्शन नंबर 2 श्रीहरि, ऑप्शन नंबर 3 आशीष भाटिया, ऑप्शन नंबर 3 केशव बहादुर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आशीष भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का था दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ADB वित्त घोषित 1,000 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना, ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का था दोस्तों, हाल ही में निम्न में से किस देश ने सत्यापित समाचार पोर्टल की अपनी पहली सूची जारी की है।
ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी भूटान, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का था दोस्तों, किस मंत्रालय को हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? ऑप्शन नंबर ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी जनजाति मामला मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं मंत्रालय। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जनजाति मामला मंत्रालय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।